WRS कॉलोनी में 101 फीट का रावण और 85 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। इतने बड़े पुतले बनाने के लिए 5000 मीटर कपड़ा और 1 टन कागज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कपड़े और कागज के अलावा 5000 किलो बोरा, 100 किलो सुतली, 600 किलो नारियल जूट रस्सी और 1800 नग बांस भी पुतले बनाने में उपयोग किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगभग 200 से 250 कारीगर रोज 10 से 12 घंटे मेहनत कर पुतला और स्टेज बनाने में लगे हुए हैं। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष विधायक कुलदीप जुनेजा ने रावण दहन की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल दशहरा उत्सव में छत्तीसगढ़ के कलाकारों को प्राथमिकता दी गई है, जहां सतरंगी छटा बिखेरते हुए रायपुर के सारेगामा की विजेता ऐश्वर्या पंडित और सपना द्वारा गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही कलकत्ता के कलाकारों द्वारा नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाएगा। आतिशबाजी करने वाली टीम भी स्थानीय होगी। साथ ही यह भी बताया कि आतिशबाजी 45 मिनट तक होगी। इस बार आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु आतिशबाजी रखी गई है। उन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है जिससे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो सके। कलाकार हम लोग सब ने कोशिश किया कि हमारे छत्तीसगढ़ के रहें, हमारे रायपुर के रहें। हमारी बिटिया है, एक यहाँ पर ऐश्वर्या पंडित है जो आजकल बॉम्बे में है, और एक और बिटिया सपना है, क्या नाम उसका, वो भी यहीं रायपुर की, वो भी बाहर है। उसको हम लोगों ने बुलाया है, लोकल कलाकार लोग को यहाँ पर बहुत सारों हम लोगों ने किया है। और डांसर ग्रुप एक है जो 5-6 बच्ची लड़कियों का, वो शायद बाहर से कोशिश की, हमने बोले कि वो आ जाएंगे। और बाकी सब कुछ हम लोगों ने पूरा प्रयास ये किया है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को चांस मिलना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम उनको आगे मिलना चाहिए। व्यवस्था हम लोगों के साथ प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। प्रशासन के सहयोग से पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी रहेगी। पूरी उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के लोगों को, जो आसपास लोग रहते हैं, वो किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई तकलीफ ना हो। हम लोगों का प्रयास पूरा ही रहेगा। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के सचिव राधेश्याम विभार ने बताया कि दशहरा आयोजन के 50 साल पूरे होने पर आयोजन और खास करने की तैयारी है। साथ ही रामलीला का मंचन और कल्चरल परफॉर्मेंस भी होंगे। वहीं रेलवे प्रशासन से भी इस बारे में चर्चा की गई और रेलवे प्रशासन द्वारा भी इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि रावण दहन के दौरान ट्रेनों की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच ही रखी जाएगी। निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण है और WRS कॉलोनी एक ऐसे ऐतिहासिक दशहरा मैदान है जहां पे प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। कमेटी के सचिव होने के नाते मैं आपको जानकारी देता हूं कि 101 फीट का रावण है और उसके साथ साथ में आपने कहा कि जो अमृतसर में जो घटना घटी थी, निश्चित तौर से वो घटना एक अनहोनी घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना घट गई। यहाँ पे आज 50वां वर्ष होने जा रहा है, WRS कॉलोनी में इस प्रकार की कोई ऐसी घटना अप्रिय घटना नहीं घटी और उसके सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए कलेक्टर, माननीय SP और सारे हमारे जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी हमारे अध्यक्ष भी हैं, संरक्षक भी हैं और विकास उपाध्याय जी, वो भी हमारे साथ में यहाँ पे कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं और सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और रेल के पटरी के पास में एक तरफ RPF के जवान रहेंगे और दूसरी तरफ स्टेट के पुलिस रहेंगे और 3 बाउंड्री वॉल मारा गया है, 2 बैरिकेटर्स बनाए गए हैं वो PWD की तरफ से, उस पर जाली भी लगाया गया है। उसके बाद रेलवे की तरफ से दीवार बाउंड्री वॉल किया गया है और ऊपर पर्दे लगाने की भी हमारी योजना चल रही है। आपको बता दें कि कलाकारों द्वारा अभी भी लगातार रावण दहन के लिए कलाकारी जारी है, जहां रावण का मुख्य सर 19 फीट का होगा, वहीं बाकी 9 सिर 15-15 फीट के होंगे। वहीं 150 लीटर रंग से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के मुखौटे को रंगा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश TV। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।